अरे भैया माचिस तो दे दीजिए। माचिस ये क्या रखी है भैया आपके सामने, लीजिए ना। ये क्या, माचिस की डिब्बी के अंदर सोने की चेन? इसका मतलब इसके अंदर सोने की चेन है। एक काम करता हूँ, दूसरी माचिस लेके देखता हूँ, उसमें भी देखता हूँ क्या है। इसमें भी सोने की चेन? इसका मतलब भैया के पास जो माचिस का बंडल है उसमें सब में चेन होगी। एक काम करता हूँ, भैया से ना पूरा बंडल ले लेता हूँ। भैया ये बंडल ना आप मुझे दे दीजिए। और कितने का ये बंडल? बंडल 100 रुपए का भैया। 100 रुपए का है? ठीक है, मैं आपको 100 रुपए इसके देता हूँ, आप ये बंडल मुझे दे दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, ले लीजिए। ये क्या, मंत्री जी का फोन? हाँ मंत्री जी। क्या आपका पार्सल अभी तक पहुंचा नहीं? रुकिए एक मिनट, मैं देखता हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मंत्री जी का पार्सल तो यहीं रखा है और शायद मैंने किसी और का पार्सल मंत्री जी को भेज दिया। हाँ साहब, मैं आपका पार्सल भिजवा रहा हूँ कुछ देर में। साहब ये माचिस के बंडल मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये बंडल खास मैंने जापान से मंगाया, वो भी मंत्री जी के लिए। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पहले आया हूँ और मैंने आपसे बंडल मांगा है। अब मंत्री का फोन आ गया तो आप उनको बंडल दे देंगे? अब मैं पहले यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बंडल दीजिए ना। और रही बात पैसे की, तो ये 100 रुपए का बंडल है, मैं आपको इसके 500 रुपए दूंगा पूरे। अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, हम मंत्री जी का पार्सल आपको कैसे दे दें? हम मंत्री जी से पंगा ले लें, नदी में रहेंगे मगर मत से दुश्मन निकल लें। देखिए भैया हमें अपनी दुकान चलानी है और आपको ये बंडल हम नहीं दे सकते। आप एक काम करिए, आप दूसरा बंडल ले लीजिए, मेरा दिमाग मत खराब करिए। अच्छा, तो इसका मतलब मंत्री जी जापान से सोने की चेन का स्मगलिंग करते हैं। अब तो मुझे ये बंडल किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों का माल है। भैया ये बंडल तो मुझे चाहिए, आप किसी भी हालत में ये बंडल मुझे दीजिए, आप मंत्री जी को दूसरा बंडल दे दीजिएगा। देखिए मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं आपको ये बंडल नहीं दे सकता, ये खास मंत्री जी के लिए जापान से मंगवाया मैंने, आप दूसरा ले लीजिए। जी क्या करूँ क्या करूँ, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, इसको ना इसके ज़्यादा पैसे देता हूँ। अरे भैया सुनिए, इस बंडल के ना मैं आपको 10,000 पूरे रुपए देता हूँ, आप बंडल ये मुझे दे दीजिए, मंत्री जी को दूसरा बंडल दे दीजिएगा, अब आपको इसकी कीमत भी ज़्यादा मिल रही है। अरे भैया आप क्यों नहीं समझते, 10,000 रुपए की बात नहीं है। क्या हो गया भाई साहब, अब इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं? देखिए ना मैडम, ये बंडल मैंने खरीद लिया इनसे, और जब बंडल खरीद लिया तो इसके बाद ये बोल रहे हैं ये बंडल हमको नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास मंत्री साहब का फोन आ गया है, मंत्री साहब ये बंडल मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए, पहले हम इनके पास में और ये बंडल हमको देने से मना कर रहे हैं, ये बता रहे मंत्री साहब को ये बंडल देंगे। देखिए भाई साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, आपको ये बंडल ना इनको दे देना चाहिए। देखिए मैडम मैंने एक बार भैया से बोल दिया, ये पार्सल मैं नहीं दे सकता, ये पार्सल मंत्री जी का है, खास इनके लिए जापान से मंगवाया है, और ये भैया है कि एक ही बात पर टिके हैं, मुझे यही पार्सल चाहिए, आप बताइए कहाँ से दे दें, आप ही उनको समझाइए। अच्छा ठीक है, मैं ना इस बंडल के आपको 20,000 रुपए दे दूंगा, तब तो आप मुझे दे दोगे ना। लगता है ये सब हमारे लपेटे में आ रहे हैं, एक काम करता हूँ इनको और लपेटता हूँ। देखिए भैया ये पार्सल मैं आपको 20,000 का तो नहीं दे सकता, एक काम कीजिए 50,000 दीजिए और ये पार्सल ले जाइए। 50,000 रुपये? 50,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? लेकिन इस बंडल के अंदर कम से कम 100 बंडल होंगे और 100 बंडल में 100 चेनें होंगी, मतलब ये करोड़ों का माल है। एक काम करता हूँ ना, 50,000 रुपये इसके दे ही देता हूँ। ठीक है भैया, अगर आप बोल रहे हैं तो 50,000 रुपये हम आपको दे देते हैं, ये बंडल आप हमको दे दीजिए। ठीक है ले लीजिए, मंत्री जी का बंदा आएगा तो हम देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। एक काम करिए पैसे दे दीजिए। ये लीजिए भैया पूरे 50,000 रुपये, आप गिन लीजिए। ठीक है साहब। ठीक है भैया फिर मैं ले लेता हूँ। ठीक है भैया। साहब आते रहिएगा, आप ही की दुकान है। क्या बात है भाई, अरे दिमाग हो तो आपके जैसा, क्या दिमाग लगाया, क्या उल्लू बनाया है उसे, उसे लग रहा है कि उस माचिस की डिब्बी में असली सोने की चेन है। बट उसको क्या पता वो असली नहीं, वो तो नकली है। भाई दिमाग हो ना तो आपके जैसा। ठीक है ज्यादा बातें मत कर, एक काम कर ये पैसे ले जाओ और बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है भाई मैं जाती हूँ, तब तक आप ना दूसरा शिकार ढूंढो।